वैसे भाइयों, इस वीडियो पर Realme GT 60 पे BGMI का गेम प्ले खेलने वाले हैं। वैसे ये डिवाइस स्मूथ पर एक्सट्रीम से लेकर HDR में 60 FPS, उसके आगे अल्ट्रा HDR सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि 120 FPS का ऑप्शन शायद नेक्स्ट अपडेट पर आपको देखने को मिल जाए। सो ये गेम प्ले ओनली 60 FPS का है। तो Realme GT 60 को लेकर मैं सीधे आ गया इस मेन हुड ट्रप की इस बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर। वैसे भाई लोग, इस वीडियो पर आपका वेलकम है। बिल्कुल वेलकम है गजब सीन। वैसे एक बंदा रॉकेट बन गया था, ये पीछे से आया, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा ये बंदा पीठ पीछे पिछवाड़े पर गोली चिपकाने आया था। बंदी की बनाया पेटी। ये रहा इस मैच का पहला उड़ता सलमान खान, साले की पेटी बनाया, डीबी डूबी लेकर आया था। तो नीचे वाले घरों पर कुछ बंदे भाई साहब म्यूटेंट चला रहे हैं। फिलहाल मैंने उड़ते उड़ते मतलब ऊंचा कुचक की गोली मारा था और ये बंदा डिब्बे का फेरा लगा रहा था। सो मैं यहाँ से नीचे कूदा इस बंदे का पीछा करने के बाद से। गजब सीन, ये सांप था, ये सांप सीजन ऑफ फिनिश। वैसे भाई लोग, डिवाइस पर आपको इस स्नैपड्रैगन 7 प्लस यंत्री का 5G चिपसेट मिलता है। नीचे कुल डबल तिबल बंदे थे, तो मैं अपनी गन को रिलोड कर रहा था, पीछे कुल बंदा आया। वैसे भाई लोग, डिवाइस का अंतिम स्कोर 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के आसपास आता है। तो ये बंदे कैंपिंग करने लगे थे, मैंने रोटेशन लिया। ये डबल कैंपर थे जिसमें से एक कैंपर नॉक हुआ। इसको देखिए, ये बंदा अपने टीममेट को छोड़कर भाग रहा था, जो कि पकड़कर पेला गया। यहाँ से आगे मैं आपको बता दूं, डिवाइस अपने साथ स्पेशल गजब सीन। मां कसम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई साहब, 2-4 दिन ना खेलो ना तो साला पूरे मैच में कैंपर आने लगते हैं। यहाँ से आगे पहुंचा, सामने एक बंदा। वैसे भाई लोग, डिवाइस का डिस्प्ले एमोलेड है, उस पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। मैं आगे पहुंचा इन घरों के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है मात्र एक बंदा है जो कि कैंपिंग कर रहा है। स्पेशल गजब सी। वैसे यहाँ पर अगर हेड कनेक्ट नहीं होता ना, तो मुझे 100% लेने के देने पड़ते। हाल फिलहाल समस्या वगैरह है नहीं, ये वाले हुड ट्रप पर मात्र एक बंदा बचा पड़ा है, ये देखिए। ये बंदा आराम फरमा रहा था, बंदा खत्म। सो फाइनली यहाँ से नीचे पहुंचा, मैं जा रहा था अपार्टमेंट, मुझे गाड़ी नजर आई, तो इस बंदे का पीछा करते करते मैं पहुंच जाऊंगा बंदों के पास। वैसे इस रिच पर आते बराबर मैंने पकड़ा डबल बंदे। तीसरा बंदा भाई साहब पत्थर के पास था, जिसको चिपकाया P90। वैसे भाई लोग, इस बंदे को पकड़ने के बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डिवाइस पर आपको LPDDR5X रैम, उसके साथ स्टोरेज 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है। मैं पहुँचा आगे ये पत्थर के पास जो बंदा नॉक किया था, तो यहाँ पर आते बराबर सोने पे सुहागा, डबल बंदे मिले मतलब 2 किल मिले यहाँ पर। डरते बराबर पेटी बना रहा है ये तो। फिलहाल यहाँ पर समस्या वगैरह गई नहीं, डिवाइस पर आपको 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, उसको चार्ज करने के लिए डिवाइस 120 वॉट का चार्जर इन दी बॉक्स लेकर आता है। हाल फिलहाल पीछे एक और बंदा छुपा हुआ था, ये रोटेशन मार रहा था, बंदा खत्म हुआ। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मेरे जस्ट सामने वाले पत्थर के पास ये दूसरा बंदा छुप कर बैठा पड़ा है। यहाँ से आगे पहुंचा, तो ये बंदा बैठे बैठे स्प्रे मार रहा था, इजी बंदा खत्म हो गया। यहाँ से आगे जाएंगे कालीन बाजी करते हुए अपार्टमेंट,
खैर छोड़ो, यहाँ से आगे जाते हैं अपार्टमेंट, म्यूजिक वगैरह चालू करो, बंदों की पेटी बनाते अपन। वैसे ये वाले स्क्वाड में मात्र 3 बंदे थे, जिसमें से 2 बंदे मैंने पकड़ा था, एक बंदा हमारे भाई ने नीचे। स्क्वाड खत्म। तो ये वाले स्क्वाड को खत्म करने के बाद मैं बंदों की पेटियां वगैरह लूट रहा था सुकून के साथ। नीचे वाले अपार्टमेंट से कुछ बंदे आ चुके हैं, सामने एक बंदा आया, और बाजू वाले अपार्टमेंट पर हमारे भाई ने किसी को नॉक किए, यहां से टकराकर बंदे का, जिससे ये बंदा ब्लास्ट। बंदा खत्म। वैसे भाइयों हम लोग रिच से नीचे आए, रिचों पर बंदे आ चुके हैं, जिसमें से मुझे एक बंदा नजर आया, लेटा पड़ा था, सिर्फ नॉक हुआ। तो इस बंदे को रिवाइव करने इसका टीममेट कहीं ना कहीं से आएगा, सो बंदे ने आने से पहले स्मोक डाल दिया था, जिसके चलते ये बंदा बच गया। ये सामने से मेरे हिसाब किताब से ये बंदा रिच के पीछे लेटा पड़ा है, AWM चला रहा है सांप बनके। फिर दूसरा बंदा पकड़ा, ये डैमेज हुआ खाली। वैसे जो बंदा AWM चला रहा है उसके पास DP/DP है, जिसका मतलब ये बंदा क्लोज फाइट लेने नहीं वाला, जिसके चलते भाई साहब मैं करूंगा। वैसे ये रिच वाले बंदे नजर आने का नाम नहीं ले रहे, जिसके चलते भाई साहब हल्का सा वेट किया। टोटल मिला के इस मैच पर 9 बंदे बचे हुए हैं, जिसमें से एक बंदा ये सांप बन गया, दूसरा बंदा पकड़ा। सो यहाँ पर आपने देखा Realme GT60 का फायर रेट। वैसे भाइयों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं डिवाइस पर इस गेम प्ले को खेलते हुए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये सामने दूसरा बंदा नजर आया, इसको नॉक किया, तीसरा बंदा भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि जोन के बाहर है। वैसे इस गेम प्ले की मेन स्क्रीन पर FPS मीटर चालू है, ये जोन के बाहर जा रहा बंदा खत्म। सो इस मैच पर बचा हुआ आखिरी बंदा ये नीचे खड़े होकर चिमनी फेंक रहा था। तो इस मैच पर 28 किल्स के साथ विनर विनर चिकन डिनर कंप्लीट। वैसे भी लोग Realme GT60 का प्राइस Amazon के अंदर आपको 25,000 रुपीस के अंदर मिल रहा है, और ये डिवाइस BGMI के नेक्स्ट अपडेट पर 120 FPS को सपोर्ट कर सकता है। वैसे BGMI के अंदर डिवाइस का जायरोस्कोप एकदम बराबर काम कर रहा था, एक्यूरेट। और इस पूरे गेम प्ले पर मेन हॉट ट्रप से लेकर लास्ट सर्कल तक डिवाइस ने कहीं पर भी एक भी सिंगल जगह पर FPS को ड्रॉप नहीं किया, जो कि अच्छी खासी बात है। वैसे डिवाइस का फर्स्ट सेल इसी महीने की 29 तारीख को रहेगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।